ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो कॉम्बिनेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है आपके पास, ये भी काउंटिंग प्रॉब्लम्स है। काउंटिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि इसमें हम ये काउंट करते हैं कि कोई इवेंट जो है कितने तरीकों से पॉसिबल है, कोई काम कितने तरीकों से पॉसिबल है। कॉम्बिनेशन भी एक इसी तरह की प्रॉब्लम है। तो जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती है उसको हम ये काउंट करते हैं कि कोई भी टास्क है या कोई भी जॉब है या कोई भी वर्क है या कोई भी काम है या कोई भी इवेंट है, उसको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो वो तरीके हम फाइंड आउट करते हैं। तो परम्यूटेशन में जो हमारे पास टास्क होता है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसको हम कब यूज करते हैं, उसका हम उस वक्त यूज करते हैं जब ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट ना हो या आपके पास जो स्टेटस है ऑब्जेक्ट्स का वो सेम हो। जिस तरह की एक कमेटी में होता है, एक कमेटी में अगर कुछ मेंबर्स हैं तो उनमें तमाम मेंबर्स का स्टेटस जो होता है वो बराबर होता है। अब स्टेटस कहाँ पे बराबर नहीं होता, जैसे अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, क्या उनका स्टेटस बराबर होता है? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, क्या उनका स्टेटस बराबर है? उनका स्टेटस बराबर नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम होगी वो परम्यूटेशन वाली होगी, जहां पे स्टेटस डिफरेंट हो, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, स्टेटस बराबर ना हो, तो वो प्रॉब्लम जो है वो कम्प्यूटेशन से सॉल्व होती है। कम्बिनेशन में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा और इसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स का जो स्टेटस है वो सेम होगा, जिसका कि कमेटी में होता है। तो अब इसका फार्मूला आपके पास क्या है, ये इसकी नोटेशन है। हेलो, ये कौन आवाज निकाल रहा है? आवाज आ रही है मेरी आपको जी? सबको मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो अब इसमें आप अपने लेक्चर को जो आते जाए वो ज्वाइन करते जाए। तो इसमें ये स्लाइड आपके सामने है और कम्बिनेशन। जी, सर अभी जो है 10 स्टूडेंट है, 5 मिनट वेट कर लेंगे आप। चलिए, मैं 5 मिनट वेट, मैं 5 मिनट दोबारा इसको मैं रिपीट कर दूंगा जब वो आएंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपके सामने वो वेबसाइट से बता दिया आपने सबको कि वेबसाइट से जो लेक्चर था उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके, ठीक है? इसी तरीके से आपने जी क्या बोल रहे हैं आप? ये जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे अभी आ रहे हैं, हाँ नहीं, ये जो अभी ये जो स्क्रीन पे आ रहा है मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, अभी मैंने अपलोड नहीं किया है। जो पहला लेक्चर था ना आपके पास, वो मैंने अपलोड कर दिया। तो अब ये लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है इसका आपको कुछ उतारने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। हाँ, आप अपने पास जो है पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाए, जैसे अगर मैं यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम देता हूं कि आप अभी उसको सॉल्व करके उस बताएं, तो वहां पे फिर आप अपने पास ही उसको रजिस्टर के ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अपने पास एक कॉपी और पेन रख के बैठे आप लोग, कॉपी और पेन हैंडी हो, ताकि आप जो है कॉपी और पेन आपके पास हैंडी हो, ताकि आप कोई प्रॉब्लम मैं यहां पे दूं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये जो अभी लेक्चर आज हम पढ़ेंगे ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? तो आज हमने क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन को हमने जो है उसको आगे बढ़ाना है। कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में ना, तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन जो हमारी प्रॉब्लम है, हमने देखा था कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम में ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता। पहली चीज ये काउंटिंग प्रॉब्लम है, इसकी मदद से हम काउंट करते हैं कि कोई भी टास्क या वर्क या जॉब कितने तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कैसी प्रॉब्लम जो है, सिलेक्शन प्रॉब्लम जो होती है वो कॉम्बिनेशन से सॉल्व होती है। सिलेक्शन में ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। और ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ऑब्जेक्ट्स का जो स्टेटस है वो बराबर हो, जैसे आप किसी कमेटी के अगर आप मेंबर हैं तो उसमें कमेटी के सारे मेंबर्स का स्टेटस बराबर होता है। अब स्टेटस कहाँ पे बराबर नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, तो वहां पे स्टेटस बराबर नहीं होता। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो और उसमें स्टेटस भी इंपॉर्टेंट हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो वो परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है, या स्टेटस इंपॉर्टेंट हो वो परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है, तो वो अरेंजमेंट प्रॉब्लम है। जो सिलेक्शन प्रॉब्लम है जो हम कम्बिनेशन से सॉल्व करते हैं, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें स्टेटस सबका सेम होता है, तो स्टेटस भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है?
ओके सर, तो अभी जो है तकरीबन 2-3 मिनट और देख लेते हैं, 10 तक देख लेते हैं। अब ये 8 हैं आपके पास पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आपके जो लेक्चर है मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये नजर आ रहे हैं ना आपको? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम कब यूज करेंगे? जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो या स्टेटस सेम हो, जिस तरह कमेटी में होता है। और कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपके पास क्या है, ये आपके पास सामने लिखा हो। एन कॉम्बिनेशन आर, ये इसकी नोटेशन है। क्या इस तरह भी लिखते हैं सी ब्रैकेट एन आर, वही मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, या ये ब्रैकेट नोटेशन है एन कॉम्बिनेशन आर। तो ये डिफरेंट नोटेशन है, एक ही मतलब है। ये फार्मूला एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ सिलेक्शंस या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो मालूम करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो मैचेस होते हैं दो टीम्स के दरमियान, तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ मैचेस जो है वो कॉम्बिनेशन की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर आप हैंड शेक करते हैं किसी के साथ, तो हैंड शेक में भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं आपसे हैंड शेक कर रहा हूँ, आप मेरे से हैंड शेक करें, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ हैंड शेक से भी जो है आपके पास कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे नंबर ऑफ कमिटी फॉर्म्ड है, अगर आप कोई कमिटी फॉर्म करते हैं तो उसमें हर मेंबर का सेम स्टेटस होता है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी आप कॉम्बिनेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। या आपके पास कोई बास्केट है, उसमें कोई बॉल्स, कुछ बॉल्स है, उनको आप ड्रॉ करते हैं, तो जो बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें भी जो बॉल्स हमारे पास आएंगे उसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो वो भी प्रॉब्लम जो हम कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर हम ऑर्डर दे देंगे पहली बॉल दूसरी बॉल, तो फिर वो कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं होगी, वो परम्यूटेशन से सॉल्व होगी। लेकिन हम जस्ट दो बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, आप वो किसी दो बॉल्स हैं तो उनमें हम कोई ऑर्डर जो है वो पुट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम उसको कॉम्बिनेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये पहली एग्जांपल है, ये सब मुझे फॉलो कर रहे हैं ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर अगर कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आपकी वॉइस मुझ तक पहुंच सकती है। वो आपके पास चैट की ऑप्शन भी होगी, तो आप उसमें मुझे लिखकर भी बता सकते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यहां तक तो मुझसे पूछ ले। समझ गए आप कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, कुछ सिचुएशन कुछ एग्जांपल जहां पर आप कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल वन है, क्या है एग्जांपल वन? तो इन हाउ मेनी कमेटी ऑफ थ्री मेंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 10 पीपल, 10 अफराद है। और हमने जैसे फर्ज करें आप 10 अफराद जो है वो आप एचओडी के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपने डिस्कस करनी है, तो एचओडी बोलता भाई आप में से कोई से 3 लोग आ जाए मेरे पास। तो वो कौन से 3 लोग हैं? कोई से भी हो सकते हैं, यानी वो कौन से 3 लोग? आप एक कमेटी बना के 3 लोगों की एचओडी के पास जाना चाहते हैं, तो कोई से भी 3 लोग हो सकते हैं। तो उस कमेटी में अब जो लोग हैं उनमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ये सब बराबर है, सब क्लास के मेंबर है, सब इक्वल है। तो अब कितनी कमेटी आप 10 अफराद में से 3 अफराद की कमेटी कितनी बना सकते हैं? तो हाउ मेनी कमेटीज आप बना सकते हैं ऑफ 3 पीपल आउट ऑफ 10 पीपल? तो इसमें जाहिर बात है ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है या तमाम कमेटी मेंबर्स का स्टेटस बराबर है। तो हम इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम क्या है, ये 10 पीपल है, एन की वैल्यू 10 है, और उसमें से आपने 3 अफराद को चूज करके, 3 अफराद को सिलेक्ट करके कमेटी बनानी है। तो R3 है, तो ये 10 कॉम्बिनेशन 3 है। कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, सिलेक्शन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। तो 10 कॉम्बिनेशन 3 है, फॉर्मूले से आपने सॉल्व कर लिया, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब है कि अगर 10 अफराद हो और उनमें से कोई से भी 3 अफराद की आपने कमेटियां बनानी हो, तो आप कितनी कमेटियां बना सकते हैं? 120। तो बहुत सारी चॉइसेस है आपके पास। तो ये एग्जांपल वन है आपके पास। समझ गए आप एग्जांपल वन? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir. अब आ जाए एग्जाम्पल टू पर। अब एग्जाम्पल टू में आपके पास ये देखें लिखा हुआ इसमें कि आपके पास 5 मैथमेटिशियंस है और 7 फिजिसिस्ट है। तो टोटल आपके पास 12 पर्सन है, उसमें 5 मैथमेटिशियन है। इसको ये कुछ इतारने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। हाँ, आपके पास पेन और कॉपी हो, अगर कोई प्रॉब्लम दूं अभी आपको, तो आप उसको उस पर सॉल्व करके मुझे बताएं उसका आंसर। ठीक है, तो आपके पास 5 मैथमेटिशियन है, 7 फिजिसिस्ट है। अब उनमें से आपने एक कमेटी बनानी है, उसके अंदर आपने 2 मैथमेटिशियन लेने हैं और 3 फिजिसिस्ट लेने हैं। ठीक है, 5 मैथमेटिशियंस में से आपने 2 मैथमेटिशियन सिलेक्ट करने, 7 फिजिसिस्ट में से आपने 3 फिजिसिस्ट सिलेक्ट करने हैं। तो बताइए कि आप कितने तरीकों से ये कमेटियां फॉर्म कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट आपके पास पार्ट्स हैं, डिफरेंट कंडीशन है। पहले आप पार्ट ए आपके पास क्या है कि एनी मैथमेटिशियन एंड एनी फिजिसिस्ट कैन बी इंक्लूडेड। तो इसमें कोई भी आप कंडीशन पुट नहीं कर रहे, कोई भी मैथमेटिशियन और कोई भी फिजिसिस्ट आप चूज कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम है,
कि आप 5 मैथमेटिशियन में से 2 को आपने सिलेक्ट करना है, तो 2 मैथमेटिशियन आउट ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड, ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है। कितने तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं? 5 कॉम्बिनेशन 2। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। तो 5 मैथमेटिशियंस में से 2 मैथमेटिशियंस को आप कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5 कॉम्बिनेशन 2 तरीकों से। और बाकी जो 3 फिजिसिस्ट आपने 7 में से सिलेक्ट करने, वो कितने तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हैं? 7 कॉम्बिनेशन 3। तो अब मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई आपके पास कितने फिजिसिस्ट हैं? 7 है ना, और 7 फिजिसिस्ट में से आपने कितने सिलेक्ट करने? 3। ठीक है, तो पहले आपने मैथमेटिशियंस को सिलेक्ट करना, 5 में से 2 मैथमेटिशियन वो सिलेक्ट हो गए 5 कॉम्बिनेशन 2 वे से। फिर 7 फिजिसिस्ट में से आपने 3 फिजिसिस्ट को सिलेक्ट करना है, तो 7 में से 3 फिजिसिस्ट को आप कितने तरीकों से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं? 7 कॉम्बिनेशन 3 तरीकों से। ठीक है, अच्छा, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन है उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो मैथमेटिशियन की सिलेक्शन है और उसके बाद आपने जो फिजिसिस्ट की सिलेक्शन की है, इसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज करते हैं, जब आप कोई काम एक सीक्वेंस में कर रहे हो, वन आफ्टर अनदर, एक काम के बाद आपने दूसरा काम कर रहे हो और इस तरह आप अपना काम मुकम्मल कर रहे हो। तो यहां पर भी पहले आप मैथमेटिशियन सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप फिजिसिस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से आप इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे बता भी रहा हूं पेज 2 पर, वी यूज मल्टीप्लिकेशन रूल व्हेन थिंग्स आर डन इन ए सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर। अगर आप चीजें एक सीक्वेंस में कर रहे हो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी, तो उनके जो नंबर ऑफ वेज है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 कॉम्बिनेशन 2 10 है, ये कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आप, या फार्मूले से कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ जाएगा, और 7 कॉम्बिनेशन 335 है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने वेज हमारे पास हो गए? 350। ये तो पार्ट ए हो गया आपके पास, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी। तो ये समझ गए पार्ट ए, आप पार्ट ए समझ गए? किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब उसके बाद आ जाए पार्ट बी पर। क्या है पार्ट बी? बिलाल पढ़ो, क्या है पार्ट बी? हाँ, पार्ट बी क्या है? सामने स्क्रीन पर आया ना तुम्हारे सर, अच्छा, पार्ट बी जो है आपके पास, पार्ट बी में आपको कमेटी, बस वो तो पार्ट सी है, अभी हम पार्ट बी पर है। तो पार्ट बी में हम चाहते हैं कि एक जो पार्टिकुलर फिजिसिस्ट है वो लाजमन हमारी कमेटी में होना चाहिए। तो मेरे पास टोटल मैथमेटिशियंस के ऊपर तो कोई इस तरह की मैं कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई से भी मैथमेटिशियन हो सकते हैं, लेकिन मैं फिजिसिस्ट के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ कि कोई पार्टिकुलर फिजिसिस्ट हो सकता है, वो बहुत अच्छी नॉलेज हो उसकी या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, तो मैं चाहता हूँ कि वो लाजमन कमेटी में हो। तो अब ये पार्ट हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसी तरह अगर टोटल मेरे पास कितने फिजिसिस्ट है? 7 थे ना। हेलो, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो अब देखें, अच्छा, अब टोटल आपके पास 7 फिजिसिस्ट है और उसमें एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट है, लेट से वो बिलाल है। अब मैं चाहता हूं कि जो बिलाल है वो लाजमन मेरी कमेटी में हो, तो उस पार्टिकुलर फिजिसिस्ट को क्योंकि लाजमन कमेटी में होना है, तो उसको सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि उसको सिलेक्ट कर लिया जाए, मतलब वहां पास कोई चॉइस नहीं है, तो उसको तो हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब बाकी कितने फिजिसिस्ट बचे आपके पास? 6 बचे ना। अच्छा, और टोटल हमने कितने फिजिसिस्ट जो है सिलेक्ट करने थे? 3 करने थे। लेकिन एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जो पार्टिकुलर फिजिसिस्ट बिलाल है उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब बाकी 2 रह गए। अब बाकी जो 2 फिजिसिस्ट हम चूज करेंगे वो कितने फिजिसिस्ट में से चूज करेंगे? 6 फिजिसिस्ट में से। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। अच्छा, तो अब इसमें देखें, एज पार्ट बी, आवाज मेरी रिपीट हो रही है। सॉरी सर, आवाज आ रही है? ये पीछे मेरे ख्याल से कुछ लोग आपस में
ये जो बाकी बाकी लोग ऐसा करें, अपना जो माइक माइक जो है ना वो आप म्यूट कर लें, अगर किसी को बोलना होगा तो फिर मैं उसको वो अनम्यूट कर दीजिएगा, मैं सबको सबको मैं म्यूट कर देता हूं, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जी जी अच्छा तो अब अच्छा तो अब इसमें अच्छा अब ये जो प्रॉब्लम है कि आप ऐसी कमेटी बनाना चाहते हैं उसमें एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट प्लाज्मन हो, तो 7 आपके पास फिजिसिस्ट थे, उसमें से एक तो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, तो अब बाकी 2 फिजिसिस्ट आपने सिलेक्ट करने हैं, बाकी बचे हुए 6 फिजिसिस्ट में से, तो वो कितने तरीकों से आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आप एज वन पार्टिकुलर फिजिसिस्ट मस्ट बी ऑन द कमिटी, सो वी नीड टू सिलेक्ट 2 मैथमेटिशियंस फ्रॉम 5 मैथमेटिशियन, तो इसके तरीके कितने, 5 कॉम्बिनेशन 2, और जो बाकी 2 फिजिसिस्ट है उनको बाकी बचे हुए 6 फिजिसिस्ट में से हम कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन 2, तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ वेज हम किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम ये काम जो है वन आफ्टर अनदर कर रहे हैं सिक्वेंस में, तो यहां पर हम जो है मल्टीप्लीकेशन रूल जो है वो यूज करेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ कमिटीज बन सकती हैं वो 150 होंगी। समझ में आ गई बात, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप जो है लिखकर भी बता सकते हैं, अगर आपके पास माइक नहीं है तो आपके पास चैट की ऑप्शन है, आप मुझे जो है चैट के जरिए लिखकर भी बता सकते हैं, तो ये पार्ट भी समझ गए आप? यस सर। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया बताएं? हारिस खान सर। अच्छा, तो इसमें देखे कंडीशन क्या, एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट आपने लाजमन अपनी कमेटी में रखना है, तो उसको तो आपने रख लिया, तो अब कितने आपको टोटल फिजिसिस्ट चूज करने थे, 3 करने थे आउट ऑफ 7, तो एक जो आपने ले लिया उसको, उसके अलावा बाकी आपने 2 फिजिसिस्ट आपने चूज करने हैं, और कितने बाकी बचे हुए फिजिसिस्ट में से चूज करने हैं, 6 में से ना, टोटल 7 थे, एक तो पार्टिकुलर आपने ऑलरेडी ले लिया, तो और 6 बचे, तो उन 6 में से 2 फिजिसिस्ट को आप कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है 6 कॉम्बिनेशन 2, तो 5 मैथमेटिशियंस में से 2 मैथमेटिशियन आप चूज कर सकते हैं 5 कॉम्बिनेशन 2 तरीकों से, और 6 फिजिसिस्ट में से 2 फिजिसिस्ट आप चूज कर सकते हैं 6 कॉम्बिनेशन 2 तरीकों से, और ऑल टुगेदर जो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास होंगे उनके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे, क्योंकि आप ये काम एक सिक्वेंस में कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर, तो इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ वेज कमिटीज आपके पास आ गई, सही है। अब पार्ट सी है आपके पास, पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में हमने ऐसी कमेटियां बनानी है जिसमें 2 पार्टिकुलर मैथमेटिशियंस कैन नॉट बी ऑन द कमेटी, 2 पार्टिकुलर मैथमेटिशियन हम चाहते हैं कि वो हमारी कमेटीज में ना हो, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकुलर मैथमेटिशियन जो 2 है कोई से भी हो सकते हैं, उनको हमने बाहर निकाल दिया, तो बाकी कितने मैथमेटिशियन अब बचे हमारे पास, 5 थे, 2 को हमने कहा भाई आप तो नहीं आ सकते कमेटी में, तो अब टोटल 3 मैथमेटिशियंस बचे, और हमने कितने मैथमेटिशियन कमेटी में लेने थे, 2, तो इफ 2 पार्टिकुलर मैथमेटिशियंस कैन नॉट बी ऑन द कमेटी, सो वी हैव टू सिलेक्ट 2 मैथमेटिशियंस फ्रॉम रिमेनिंग 3 मैथमेटिशियंस, तो ये हम कितने तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं, 3 कॉम्बिनेशन 2, और बाकी जो 3 फिजिसिस्ट है वो आउट ऑफ 7 हम कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं, 7 कॉम्बिनेशन 3, तो ऑल टुगेदर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन है उसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये काम एक सिक्वेंस में कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर, तो इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ कमिटीज आपके पास आ गई, तो ये पार्ट सी, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है, इसमें कंडीशन मैथमेटिशियंस के ऊपर है कि 2 पार्टिकुलर मैथमेटिशियंस आप नहीं ले सकते, तो 5 मैथमेटिशियंस में से अगर आप 2 मैथमेटिशियंस को निकाल दें क्रॉस, वो नहीं आ सकते, तो बाकी बचे 3 मैथमेटिशियन, और उसमें से आपने चूज करने 2, तो ये आप कर सकते हैं 3 कॉम्बिनेशन 2 तरीकों से, सही है, समझ गए आप? हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो बिलाल, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हेलो, आवाज आ रही है बिलाल आपको मेरी? जी सर। अच्छा सर, तो अच्छा पार्ट सी अब है, पार्ट सी आपके पास क्या है,
अब आपने ऐसी कमिटीज बनानी है जिसमें टू पार्टिकुलर मैथमेटिशियंस नहीं हो सकते, यानी आप चाहते हैं कि दो पार्टिकुलर मैथमेटिशियंस ना हो, तो टोटल आपके पास कितने मैथमेटिशियंस थे? 5। तो अगर आप उनमें से दो मैथमेटिशियंस को निकाल दें यानी उनको क्रॉस कर दें, तो आप कितने मैथमेटिशियंस आपके पास बाकी बच गए? 3। तो अब आपने उन 3 रिमेनिंग मैथमेटिशियंस में से 2 मैथमेटिशियंस को चूज करना है। तो कितने तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं? 3 combination 2। और बाकी जो अब यहाँ पे मैथमेटिशियंस के ऊपर कंडीशन है, फिजिसिस्ट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। मैथमेटिशियन के ऊपर कंडीशन ये है कि दो मैथमेटिशियन, दो पार्टिकुलर मैथमेटिशियन नहीं हो सकते, तो हमने उनको बाहर निकाल दिया। तो 5 मैथमेटिशियंस में से अगर आप 2 पार्टिकुलर मैथमेटिशियंस को निकाल देंगे, तो आपके पास टोटल जो बाकी बचे हुए 3 मैथमेटिशियन है, उनमें से आपने 2 मैथमेटिशियन को चूज करना है। तो इसको इसके तरीके आपके पास है 3 combination 2। और इसी तरह जो 3 फिजिसिस्ट है वो आपने 7 फिजिसिस्ट में से चूज करने हैं, तो उसके तरीके आपके पास है 7 combination 3। तो ऑल टुगेदर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन होंगे, उसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे। क्यों मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे? क्योंकि हम ये काम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर। तो इस तरह ये हमने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम सी। तो प्रॉब्लम सी समझ में आया या किसी को इसमें प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सी के सॉल्यूशन समझ में आया? हेलो, प्रॉब्लम सी समझ में आ गई? प्रॉब्लम सी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसमें अच्छा फर्ज करें ये एक एग्जांपल, यही जो प्रॉब्लम है मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट वाली, आपके सामने स्क्रीन पर है। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी जी। अच्छा, अब इसमें फर्ज करें, मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसी कमेटियां बनाते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर मैथमेटिशियन होना चाहिए और एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन मैंने मैथमेटिशियन के ऊपर आपको बता दिए और एक कंडीशन मैंने फिजिसिस्ट के ऊपर आपको बता दिए। ऐसी कमेटियां बताइए कितनी बन सकती हैं जिसमें एक पार्टिकुलर मैथमेटिशियन तो हो लेकिन एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट ना हो। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्व करके दिखाए मुझे, अपने पास पेन कॉपी है उस पर सॉल्व करके मुझे यहाँ पे आंसर आप जो है चैट के थ्रू लिखकर बता सकते हैं। समझ गए ना? समझ गए ना प्रॉब्लम क्या है? यही यही 5 मैथमेटिशियन है, उसमें से 2 मैथमेटिशियन को चूज करना है आपने। हाँ हेलो, आप जस्ट कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मुझे बता सकते हैं? ठीक है सर, ठीक है। आप मतलब बोलकर भी बता सकते हैं, जरूरी कि आप लिखकर बताएं, आप वैसे सॉल्व करके मुझे बोलकर बता सकते हैं आप। ओके सर, जी। तो सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग? सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? सबको यहां तक? यस सर, कर देंगे। क्या कर रहे सर? क्वेश्चन रिपीट कर रहे क्वेश्चन ये है कि अब बताइए आप कितनी कमेटियां बना सकते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर मैथमेटिशियन हो और एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट ना हो। एक पार्टिकुलर मैथमेटिशियन होना चाहिए और एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज अब मेरी आ रही है आपको? अब आई आवाज? जी जी जी, फर्स्ट ही आवाज। अच्छा, तो आप उसमें बताइए कितनी कमेटियां आप बना सकते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर मैथमेटिशियन हो और एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट ना हो। चलो सही है सर, एक सेकंड। हाँ हाँ, कर ले, सॉल्व कर ले आराम से। क्वेश्चन देखें आपके पास ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल टू है। 5 मैथमेटिशियन है, 7 फिजिसिस्ट है, 5 मैथमेटिशियन। कमेटी बनानी है जिसमें 2 मैथमेटिशियन हो और 3 फिजिसिस्ट। ये नेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज अब साफ हो। साफ मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन के कितने कॉम्बिनेशन है?
सही है, मैथमेटिशियन आंसर दे रहे हैं, सवाल आंसर दे रहे हैं सर। हाँ सही है, सही है। तो जो मैथमेटिशियन है, अगर आप चाहते हैं कि एक मैथमेटिशियन सिलेक्ट ना हो, सॉरी एक मैथमेटिशियन लास्ट मंथ उसमें हो, तो वो तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिया। अब एक और मैथमेटिशियन आपने चूज करना है बाकी बचे हुए फोर मैथमेटिशियन से, तो उसके तरीके होंगे फोर कॉम्बिनेशन वन। तो मैथमेटिशियन के फोर कॉम्बिनेशन वन। अब अगर आप फिजिसिस्ट पर आए, तो आप चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर फिजिसिस्ट ना हो, तो आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो अब बाकी कितने फिजिसिस्ट बचे, सिक्स। और आपने कितने फिजिसिस्ट चूज करने हैं, थ्री। तो सिक्स फिजिसिस्ट में से अगर आप थ्री को चूज करें, उसके कितने तरीके होंगे, सिक्स कॉम्बिनेशन थ्री। तो मैथमेटिशियन के है फोर कॉम्बिनेशन वन, फिजिसिस्ट के है सिक्स कॉम्बिनेशन थ्री, और जो ओवरऑल टोटल तरीके होंगे उसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आप ये काम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर। तो आंसर क्या होगा, फोर कॉम्बिनेशन वन इंटू सिक्स कॉम्बिनेशन थ्री, फिर से आप सॉल्व करके निकाल देंगे। तो समझ गए आप ये सॉल्यूशन, हाँ सर ये समझ गए आप सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, आप ये भी कर ले, जो आपका अपना माइक है ना, उसकी आवाज को आप फुल कर दे, ताकि हो सकता है उसकी आवाज फुल ना हो अब, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है, कुछ को सही नहीं आ रही। बेसिकली हमारी तरफ से इसलिए इस तरह आपकी तरफ से सर, वो एक सेकंड के लिए आवाज आती है और आपका पूरा सेंटेंस बंद हो जाता है। तो आप दोबारा मुझसे पूछ ले, समझ गए आप इसको, ठीक है आप समझ गए इसे। हेलो जी सर, समझ में आ रहा है। अगर किसी को मुश्किल हो रही है सर, समझ नहीं आ रहा सर, कौन सी चीज समझ नहीं आई, अरे बताओ क्या समझ नहीं आ रहा, अरे बताएं आप। हाँ आवाज, आपको ये जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया ये समझ में नहीं आया, जो एग्जाम्पल में पार्ट्स करवाया वो समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के पार्ट्स। आप क्या देर से आपने ज्वाइन किया? यस सर। अच्छा वो चले, मैं बाद में उसको रिपीट कर दूंगा, अभी मैं आगे चले, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ दोबारा, आप देख ले उसमें, आपके सामने ये स्क्रीन पर, स्क्रीन पर आपके पास एक क्वेश्चन है। अच्छा दूसरे जो पहला लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, तो आप सब लोग वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब उसके बाद ठीक है, अच्छा अब उसके उसके बाद आवाज है, अभी आगे बढ़ते हैं। सर लेक्चर की ऑडियो ही है? हाँ लेक्चर की ऑडियो ही मैंने वहां पे अपलोड की है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। सर आपकी स्क्रीन चली गई है? हाँ अब आ गई स्क्रीन। अच्छा अब आ जाए, अब आ जाए, अब ये नया आपके पास टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनको हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं, दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते, यानी एक उनमें से कोई एक इवेंट हो सकता है तो दूसरा नहीं हो सकता। तो ओनली वन इवेंट कैन हैपन, इफ वन हैपन्स देन अदर इवेंट कैन नॉट हैपन। तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, से इवेंट ए है टूडे इज मंडे और इवेंट बी है टूडे इज फ्राइडे, तो क्या ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो सकते हैं? अगर टुडे इज मंडे, यानी इवेंट ए अगर हैपन हो, इवेंट ए है टुडे इज मंडे, तो अगर इवेंट ए हैपन हो, अगर आज मंडे है तो फिर आज फ्राइडे नहीं हो सकता, और अगर आज फ्राइडे है तो आज मंडे नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई एक इवेंट एक वक्त में हो सकता, दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। तो ये आपके पास क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है आपके पास, समझ गए आप एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के। हेलो जी सर। अच्छा अभी दूसरी एग्जाम्पल है, क्या है, कौन पढ़ेगा? चलो बिलाल, एक वक्त में एक ही होगा, एक वक्त में एक होगा। अब दूसरी एग्जाम्पल है आपके पास, दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने, पढ़ सकते हैं आप इसे? नहीं सर, नजर नहीं आ रही। एग्जाम ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? जी जी नजर आ रही है। अच्छा अब इसमें ये दूसरे एग्जाम्पल है, इवेंट ए क्या है, आई पास द कोर्स, आप इस कोर्स को पास करते हैं। इवेंट बी क्या है, आई फेल द कोर्स, आप इस कोर्स में फेल हो जाते हैं। तो क्या ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली पॉसिबल है? यस सर। क्यों? क्योंकि
नहीं सर, एक एक वक्त में एक ही कर, एक ही हो सकता है ना। आपने पास कर लिया तो आप जाहिर पास हो गए, आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप फेल हो गए तो जाहिर है आप पास नहीं हो सकते। तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। तो इसमें से आप में से जैसे बिलाल मुझे कोई एग्जाम्पल बताए इस तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, बिलाल या कोई भी बता दे एक वक्त में एक सीट पे। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में रो नंबर 2 में जो है वो सिर्फ 5 बच्चे जो है वो 1-5 वाले बैठ सकते हैं और 6-10 वाले नहीं बैठ सकते। अरे बहुत बकवास एग्जांपल दे रहा है, मैं देता हूँ दे आप दें। नहीं वो भी सही है, एक वक्त में सर वक्त एक वक्त के अंदर नेट चल सकता है और नहीं भी चल सकता। सही है, मतलब ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। अच्छा इसी तरह जैसे फर्ज करें आप आपके पास, सही है समझ गए आप। नहीं खैर ये ऊपर मैंने 2 एग्जांपल इसमें दी हुई है तो इनके एग्जांपल भी सही है। कोई मतलब ऐसे कोई पता आप कह ले के बेसिक नॉलेज के, लेकिन उससे बात समझ में आ रही है। तो सिंपल ऐसे इवेंट्स, हाँ ऐसे इवेंट जो एक साथ नहीं, ऐसे इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट्स है। उनका जो इंटरसेक्शन होगा नल सेट होगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें आपके पास, मैं एक मिसाल आपको अभी बता रहा हूं, अब आप मुझे बताइएगा 2 इवेंट्स में आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। इवेंट ए है कि द पर्सन इज ए राइट हैंडेड पर्सन, पर्सन राइट हैंडेड है, सही है। दूसरा इवेंट है पर्सन इज ए टीचर। ये 2 इवेंट है, एक इवेंट है राइट हैंडेड पर्सन है, दूसरा इवेंट है कि जो आपका पर्सन है वो टीचर है। तो एक इवेंट है कि पर्सन इज ए राइट हैंडेड पर्सन और एक इवेंट है कि पर्सन इज ए टीचर। तो क्या ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो सकते हैं? नो सर। क्यों? क्या टीचर राइट हैंडेड नहीं हो सकता? अगर आपके पास क्या एक राइट हैंडेड पर्सन टीचर नहीं हो सकता? हो सकता है, सही है ना। और या इस तरह देखें क्या टीचर राइट हैंडेड नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मतलब तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि पर्सन राइट हैंडेड भी हो और टीचर भी हो, दोनों हो काम हो, पॉसिबल है। तो ये फिर जो ये जो है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लें, एक पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और एक पर्सन प्रेसिडेंट है, एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि क्या ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो सदर नहीं हो सकता प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, मतलब 2 अलग अलग अफराध ही हो सकते हैं। हाँ अगर फर्ज करें किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, जी क्या बोल रहे हैं आप सर, अगर माशाल्लाह लगा दी उसमें तो हो सकता होगा। हाँ फिर अगर एक ही पर्सन या जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं कि एक पर्सन साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो सकता, तो फिर वो एक स्पेशल केस हो जाएगा, लेकिन जनरली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब आ जाइए, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके पास बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके पास, पढ़े क्या लिखा हुआ इसमें? एंटिटीज टू एंड बॉस सर, क्या पढ़ना ये इंपॉर्टेंट पढ़ने जाने सर, लगा देंगे। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, मैं आपको नमाज के लिए मैं ब्रेक दे देता हूँ, जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो नमाज पढ़ के आ जाए, फिर दोबारा आके क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है, सही है। तो कितनी देर का ब्रेक चाहिए आपको नमाज के लिए? 15 मिनट का काफी है चले, तो मैं आपको अभी 1:35 हो रहे हैं, अब 20 मिनट के बाद आप क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह क्लास खुली हुई है, जो बैठना चाहता है बैठ जाए, मैं बैठा हुआ, अगर यहीं से आगे कंटिन्यू